शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 168। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की ये लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल के अपना नाम लिख लेंगे, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो वर्कशीट को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। तो देखिए यह लिखा है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद भारत में उत्पादकता स्पर्धा लाभ सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी को हुई थी, ठीक है। इसीलिए हर साल 12 फरवरी में हम लोग इसको राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह आयोजित किया जाता है, यानी 12 फरवरी से 18 फरवरी तक जो है उत्पादकता आयोजित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरे एक हफ्ते में हम लोग इसे मनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का आपका टॉपिक क्या है? दूर देश से आई चिड़िया। तो चलिए पढ़ते हैं। निर्जा के पिता पक्षी उद्यान यानी कि बर्ड पार्क में काम करते हैं। हर साल सर्दियों में यहाँ बहुत सारे काले और सफ़ेद प्रवासी का मतलब होता है जो एक स्थान के रहने वाले हों लेकिन कुछ जलवायु की वजह से दूसरे स्थान में जाके कुछ समय के लिए रहें, ठीक है ना। यानी ऐसे पक्षी, जैसे आप मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने लगे तो कुछ पक्षी प्रवास करके हमारे हिंदुस्तान आ जाते हैं, ठीक। जब सर्दियाँ कम होने लगती हैं, गर्मियाँ आने लगती हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो वो यहाँ से प्रवास करके वापस अपने मुल्क चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पक्षी जो है प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। निर्जा और उसका भाई रवि अक्सर पिताजी के साथ इन पक्षियों को देखने जाते हैं। तालाब के आसपास बैठे इन पक्षियों को गिनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आज निर्जा ने 12 काले पक्षी देखे और रवि ने 15 सफ़ेद पक्षी देखे। पिताजी के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज तालाब के पास 27 पक्षी हैं, ठीक है। यानी पिताजी ने उनसे पूछा कि अच्छा तुम लोग ने पक्षी देखे, बताओ कितने हैं। तो उन्होंने बताया पापा आज 27 पक्षी हैं यहाँ पे। कैसे? 12 देखे थे निर्जा ने, 15 देखे थे रवि ने, इन लोगों ने काउंट करे टोटल तो पता चला 27 पक्षी हैं। आइए देखिए उन्होंने इन पक्षियों की कुल संख्या का पता कैसे लगाया। उनके पास एक और 10 के टोकन हैं, ठीक है, टोकन कार्ड से। तो उन्होंने कैसे पता लगाया, ठीक है, जैसे बांसुरी वाले के पास थे, याद है ना पिछली बार बांसुरी वाले के पास भी ऐसे टोकन थे। तो अगर एक होगा तो उसके लिए एक कार्ड एक पक्षी के लिए, ठीक है। और जब उनके पास एक एक के 10 कार्ड हो जाएंगे तो वो इस तरह से एक 10 कार्ड बना लेंगे 10 पक्षी के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आंसर देख यहाँ करते हैं आगे। तो देखिए यह लिखा है निर्जा ने 12 पक्षी देखे जिसमें उसने 10 टोकन एक लगा लिए और एक एक के 2 लगा लिए। तो देखिए 12 हो गए नहीं हो गए। ऐसे रवि ने 15 देखे तो उसने एक तो 10 का लगा लिया, बाकी एक एक के 5 लगा लिए, तो इस तरह से उसके भी 15 हो गए। तो अब देखिए सारे एक एक मिलाकर कितने हुए? टोटल 7 हुए, 5 यहाँ 2 यहाँ 7, और ये 10 मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। तो अब हमने 20 और 7 को जोड़ा, कितने हो गए? 27। तो इसका मतलब कुल कितने पक्षी थे वहाँ? 27 थे, ठीक है। अब यह लिखा है नीचे दी गई तालिका में पक्षियों की कुल संख्या बताइए, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए 21 है, ठीक। तो निर्जा ने काले पक्षी अगर मैं कहूँ देखे 21, तो उन्होंने कैसे बताया कि 10 के 2 और 1 का 1, ठीक। अब उसने अगर 25 देखे तो हम क्या करेंगे? हम 10 के 2 बना लेंगे बॉक्स। देखिए मैं ऐसा करती हूँ, येल्लो बॉक्स बना लेती हूँ 10 के लिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 2 हम येल्लो बॉक्स बना लेंगे 10 वाले, ठीक है, हो गए कितने? 20, ठीक। अब उसके बाद हम ब्लू के ट्रायंगल बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए 10 और 10 20 20 और 5 25 हुए 25। इसी तरह से अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, इसने कितने देखे? 32। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 ये हो गए हमारे कितने? 30, ठीक। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे 1 2। तो देखिए 10 20 30 30 और 2 32, आई समझ में बात। अब हमें यहाँ लिखना है कुल पक्षी, तो कुल कितने पक्षी देखे इसने? तो देखिए हम क्या करेंगे, 10 20 30 40 50, तो ये पीले कितने हो गए? 50। अब यहाँ गिनिए कितने? 5 ये 6 7 प्लस 7, तो कितने हो गए? 57, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया? 57, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ 34 है, तो देखिए 1
एक बॉक्स, दो बॉक्स और तीन बॉक्स, तो ये हो गए 30। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दो तीन और चार। ठीक, तो देखिए 10 20 30 30 ही हो गए, 31 32 33 34 कितने हो गए, 34 हो गए। अब आगे बात करते हैं यहाँ 42, तो हम यहाँ लिखेंगे एक दो तीन और ये चार। ठीक है, टोटल हमने कितने बनाए, चार बनाए। और उसके बाद ट्राइंगल हम कितने बनाएंगे, दो, एक और एक दो। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए ये 42 है, तो 10 20 30 40 41 42। आई समझे बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70, तो टोटल 10 10 के कितने हुए, 70। अब ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, तो कितने हो गए, 76 यानी 76। तो इस तरह से आप इसका आंसर 76 लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब कहा जाता है कि अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो वर्कशीट नंबर अपनी बुक के पेज नंबर 100 को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके टीचर से कहा जाता है कि आपको अच्छे से समझाए वर्कशीट, और इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा जाता है, बच्चों को बताइए कि सर्दियों में साइबेरियन क्रेन्स जो है वहाँ से जो पक्षी हैं रूस में, है ना, अत्यधिक ठंड हो जाती है, इससे बचने के लिए सैकड़ों पक्षी जो हैं उड़ान भरकर भारत आते हैं, और जब रूस का मौसम अनुकूल हो जाता है, यानी उनके लिए अच्छा हो जाता है, उनके लिए अनुकूल हो जाता है, तो वे वापस लौट जाते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम वर्कशीट शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, राजस्थान का भरतपुर पक्षी अभयारण्य परिवासी साइबेरियन क्रेन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये जो साइबेरियन क्रेन के पक्षी आते हैं ये सीधे राजस्थान में ही आते हैं, ये देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप लोग कर सकते हैं आसानी से। फिलहाल आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।